हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं जिसमें न्यू कंसेप्ट करेंगे, व्हेन ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट। जब ड्रॉई इंसॉल्वेंट होता है तो कौन सी एंट्री होती है और कैसे एंट्री होती है, सो देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैं पूरा प्रॉब्लम आपको ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँ, आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको लिख सकते हैं, या ये आपके गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, सो आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा या आपके पास पीडीएफ होगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो पूरा प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन कराऊँ, देखेंगे वहाँ पे दिया है। निशा सोल्ड गुड्स टू आशा। निशा ने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया किसको, आशा को, वर्थ ₹34,000। आशा पेड ₹10,000। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम किया, आशा पेड ₹10,000 इमीडिएटली, 34,000 का हमने उसको सेल किया था आशा को। आशा ने क्या किया, 34,000 में 10,000 इमीडिएटली क्या कर दिया, पे कर दिया हमको, एंड एक्सेप्टेड द बिल फॉर द बैलेंस 24,000। और जो बैलेंस 24,000 है उसके लिए क्या किया, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमने बिल ड्रॉ किया रहेगा, हमने मींस व्हाट, निशा ने क्या किया रहेगा, बिल ड्रॉ किया, और आशा ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया रहेगा। नाउ फॉर द बैलेंस 24,000 के लिए उसने क्या किया, 2 मंथ का बिल एक्सेप्ट किया। आगे देखें, निशा डिस्काउंटेड द बिल। आपको पता है कि वो बिल किसके पास रहेगा, निशा के पास, और निशा इस बिल के साथ कितने इफेक्ट कर सकती है, 4। तो यहां पे निशा ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा दिया विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखेंगे वहां पे दिया है। निशा डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 मंथ। कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, अगर आपको याद होगा तो बिल का ड्यूरेशन था 2 मंथ और हमने उसको क्या किया, डिस्काउंट कराया आफ्टर 1 मंथ, मतलब जो डिस्काउंट चार्ज करेंगे वो कितने मंथ का चार्ज करेंगे, 1 मंथ का चार्ज करेंगे एट 15% पर एनम। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ये तो होना ही था, आपको पता है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम में क्या होगा, बिल डिसऑनर्ड होगा, और बिल डिसऑनर्ड होगा तभी तो हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी। So yeah, on due date the bill is dishonored, bill was dishonored on due date, and Asha request, and Asha ne kya kiya, request kiya, Asha requested Nisha to accept ₹4,000, Asha ne request kiya Nisha se to accept ₹4,000 and interest in cash. Bolo, Asha ne kya bola Nisha ko, ki aap mujhse 4,000 immediately le lo with interest, मतलब यहां पे पार्ट पेमेंट के साथ में ही आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन रिमेनिंग अमाउंट। तो अगर आपको याद होगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन, 34,000 का सेल किया था, 10,000 जिसमें से उसने इमीडिएटली दे दिया, तो बचा कितना, 24 में से आशा क्या कर रही है, 4,000 इमीडिएटली दे रही है, तो बचेगा कितना, 20,000। दैट मींस व्हाट, जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 20,000 पे चार्ज करेंगे, कितने मंथ का, जो हमने नया बिल ड्रॉ किया, देखेंगे आप 11% दिया हुआ है 3 मंथ का। सो देखेंगे, आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट ₹4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 11% फॉर 3 मंथ। निशा एग्रीड, निशा क्या हो गई, एग्रीड हो गई, एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्ट न्यू बिल, और बैलेंस के लिए आशा ने क्या किया, न्यू बिल एक्सेप्ट कर लिया एट 3 मंथ। बट आशा बिकम इंसॉल्वेंट, न्यू थिंक यहां पे इस प्रॉब्लम में, यही हमारा टर्निंग पॉइंट है, कि जो नया बिल हमने ड्रॉ किया था कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, तो आशा क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई बिफोर ड्यू डेट। देखेंगे, आशा बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। आशा क्या हो गई, ड्रॉई क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, और उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से आप कितना रिकवर्ड कर पा रहे हो, 40%। दैट मीन्स व्हाट, आप बताओ, जो हमने अभी न्यू बिल ड्रॉ किया था वो 20,000 का ड्रॉ किया था, ड्यू डेट के पहले ही आशा क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। तो मैंने बताया था इंसॉल्वेंट हो गई, कोर्ट ने क्या किया, डिक्लेयर किया, बट आपको पता है एज अ ह्यूमन नेचर हम चाहेंगे कि हमको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए, तो कितना हमने उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिकवर्ड किया, 40% रिकवर्ड किया। दैट मीन्स व्हाट, 60% क्या हो जाएगा हमारा, डूब जाएगा। दैट मीन्स बैड डेब्ट्स हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड आपका 40% मिलेगा। तो हम निकाल के दिखाएंगे प्रॉब्लम करते समय। नाउ आगे दिया है, प्रिपेयर जनरल ऑफ
निशा, हमको जर्नल एंट्री करना है किसके बुक में, निशा के बुक में जर्नल एंट्री करना है। सो देखेंगे हम लोग निशा के बुक में एंट्री क्या होगी। याद रखना सबसे पहला हमारा काम है प्रॉब्लम को अच्छे से क्या करना, हमको रीड करना है और एज अ स्टोरी उसको अपने दिमाग में रखना है। देखेंगे एक बार स्टोरी में वापस आपको एक्सप्लेन करता हूं। निशा ने क्या किया, गुड सेल किया किसको, आशा को 34,000 का। आशा ने क्या किया, उसमें से 10,000 इमीडिएटली दे दिया, बचा कितना आपका 24,000 का क्या किया हमने बिल ड्रॉ किया है आशा के ऊपर। आशा ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया। आशा ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो बिल हमारे पास था। आपको पता है कि ड्रॉ क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देता है। वो बिल हमारे पास है और हमने बैंक में क्या कर दिया, बिल को डिस्काउंट करा दिया। डिस्काउंट कराने के बाद हम ड्यू डेट का वेट कर रहे थे बट ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। एंड आशा ने क्या किया, हमसे रिक्वेस्ट किया कि 4000 इमीडिएटली ले लो, वो भी किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में, और जो बैलेंस बचता है उसके लिए उसने क्या किया, नया बिल ड्रॉ किया। हम एग्रीड हो गए, सब हमने प्रिपेयर कर दिया बट जो नया बिल था उसके पहले ही, ड्यू डेट के पहले ही आशा क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। और मैंने आपको बताया व्हेनेवर ड्रॉ बिकम इंसॉल्वेंट कितनी एंट्री होती है, दो एंट्री होती है, कैंसिलेशन की और एक बैड डेट्स रिकवर्ड वाली, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाली। ओके सो देखेंगे यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब मैं एंट्री करने जा रहा हूं, सो देखेंगे यहाँ पे एंट्री कैसे हम लोग करेंगे इन द बुक्स ऑफ निशा। निशा के बुक में आपको जर्नल एंट्री करनी है, सो देखेंगे जर्नल ऑफ निशा। यहां पे डेट नहीं दिया है, अब डेट नहीं दिया है तो हमको सीरियल नंबर लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलम आपको पता है सीरियल नंबर हो जाएगा, पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, कॉलम मैंने बनाया नहीं बट आपको पता है, देखते जाएंगे। सबसे पहले ड्रॉवर निशा है और निशा के तरफ से सोचना है, तो आप एज्यूम कर लो कि आप निशा हो और हमने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, सॉरी हमने सबसे पहले क्या किया, गुड्स सेल किया किसको, आशा को। आप बताओ मैंने एंट्री बताया सेल किया तो सेल्स ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किसको सेल किया हमने, आशा को, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। आपको पता है अगर एक क्रेडिट होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब आशा इज अ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। एंट्री आपको आनी चाहिए, सेल्स की एंट्री बेसिक एंट्री है, दैट इज ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हम करेंगे यहां पे, फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ निशा सेल्स की एंट्री, एंट्री हो जाएगी हमारी आपकी आशा अकाउंट डेबिट या आशाज अकाउंट हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, आशाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आशाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड दैट अमाउंट इज 34,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट में एंड क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, कॉलम नहीं है बट आप प्रॉपर लिखेंगे एंड हमारा नरेशन हो जाएगा बीन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये सेल की एंट्री होगी हमारी फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ निशा, दैट मींस व्हाट, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 34,000 की एंट्री हमने कर लिया ऑन नरेशन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद आपने देखा रहेगा प्रॉब्लम में गिवन है आशा पेड इमीडिएटली, आशा ने क्या किया 10,000 इमीडिएटली पे कर दिया। देखेंगे 34,000 का हमने क्या किया था, गुड्स सोल्ड किया था जिसमें से 10,000 उन्हें इमीडिएटली हमको पे किया, दैट मींस व्हाट, कैश में, तो बैलेंस बचेगा 24,000 एंड 24,000 का क्या ड्रॉ किया हमने उनके ऊपर, बिल ड्रॉ किया रहेगा बैलेंस अमाउंट। नाउ तो यहां पे हम लोग कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं और अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको अलग अलग एंट्री करके दिखाता हूं और वहां पे हम क्या कर देंगे, कंबाइन एंट्री कर देंगे। देखेंगे तो ये जो हमने 10,000 रिसीव्ड किया आशा से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, आशा, कैश आ रहा है, आशा दे रही है, मतलब कैश इज अ रियल अकाउंट एंड आशा इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश आ रहा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, कौन दे रहा है,
आशा पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वैसे भी एक डेबिट हो गया तो दूसरा अगर मैं नहीं सोचता तो भी क्या होने वाला था, क्रेडिट। बता हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट, ये हमारा 10,000 का कैश जो हमने रिसीव्ड किया। उसके बाद हमने बैलेंस अमाउंट के लिए आशा ने बिल एक्सेप्ट किया, आशा ने बिल एक्सेप्ट किया दैट मीन्स और हमने क्या किया रहेगा, बिल ड्रॉ किया रहेगा। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाती है, आपको पता हमने बिल ड्रॉ करके दिया रहेगा आशा को, आशा ने क्या किया बिल को एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, बिल आएगा, बिल आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा और कौन दे रहा है, आशा, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट दैट इज 24,000। ये अगर मैं सेपरेट एंट्री करूं तो हमारी दो एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट। इनको हम कंबाइन करेंगे तो आप देखो यहां पे आशा यहां पे भी क्रेडिट में, आशा यहां पे भी क्रेडिट में, क्रेडिट क्रेडिट है दोनों सेम है, कॉमन ले लेंगे मैथ्स के लैंग्वेज में, और ये कैश डेबिट में है बिल्स रिसीवेबल डेबिट में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखेंगे कंबाइन एंट्री हमारी हो जाएगी सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 10,000, सेकेंड बिल आया हमारे पास तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000। होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा, ओके ठीक है, दैट अमाउंट इज 24,000 टू आशाज अकाउंट, टू आशास अकाउंट हम लिख लेंगे यहाँ पे आशा के बिहाव पे आशास लिखते हैं, आशास अकाउंट दैट इज 34,000। नरेशन हो जाएगा हमारा बिंग कैश एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड लिख सकते हैं, कैश एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, कैश एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। नाउ दो एंट्री हमने एक में कर दिया कंबाइन एंट्री, अगर आपको दोनों एंट्री समझनी है तो यहां पे भी मैंने वर्किंग नोट में किया हुआ है कैश रिसीव्ड करने की एंट्री एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड करने की एंट्री। नाउ इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमने तो बिल ड्रॉ किया है कितने का, 24,000 का, आपको पता ही है बिल किसके पास होता है, ड्रॉवर के पास, दैट मींस व्हाट, निशा के पास, एंड निशा इस बिल के साथ कितने इफेक्ट कर सकती है, 4 इफेक्ट। और यहां पे निशा ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट कराया है बैंक में, आपको मैंने बताया कई बार और आज भी कराता हूं, देखा है भाई निशा आशा बिल किसके पास है इस समय, निशा के पास, एंड निशा ने बिल को क्या किया, बैंक में डिस्काउंट करा दिया, मतलब निशा किसके पास गई रहेगी, बैंक के पास, बैंक को क्या दिया उसने, बिल दिया, और इसके बिहॉप में बैंक में इनको क्या दिया रहेगा, कैश, और भी डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। मैंने आपको बताया कि कैश के बिहॉप में हम क्या लिखते हैं, बैंक, बिकॉज बैंक हमारे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करती है, तो कैश ऑब्लिक बैंक या सिर्फ बैंक भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास से देखिए निशा की तरफ सोचना आपको एंट्री में, निशा के पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, बिल जा रहा है तो बिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, पैसे आ रहे हैं रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन तभी भी डेबिट है, बैंक में आ रहा है बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर तभी भी डेबिट है, एंड डिस्काउंट हमारा लॉस होता है नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब एंट्री आपको पहले से मालूम है, एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हमारी थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, नाउ नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, विथ बैंक, यहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, आगे भी लिख सकते हैं बिल डिस्काउंटेड बैंक एट द रेट, कितना परसेंट था आपका डिस्काउंट का रेट देख सकते हैं वहां पे आप लोग, एट द रेट 15% फॉर एनम,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र था तो हम यहां पे लिख सकते थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मैं आपको लिए लिख के यहां पे दिखा देता हूं पूरा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ अकाउंट डेबिट, एंट्री आ जाएगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट अभी तक लिखा नहीं बिकॉज आपको मुझे बताना है कि हम अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते। देखेंगे आपके बिल का अमाउंट 24,000 है, 24,000 इंटू 15% इंटू कितने मंथ का, वन मंथ। वन मंथ क्यों मैंने बताया था, बिकॉज बिल का ड्यूरेशन टू मंथ था, बिल का ड्यूरेशन कितने मंथ का था, टू मंथ का, और अब एक महीने के बाद बिल को डिस्काउंट करा रहे तो डिस्काउंट कितने मंथ का मिलेगा आपको, वन मंथ का। सो देखेंगे यहां पे 24,000 इंटू 15% इंटू वन मंथ अपॉन 100 इंटू 12 मंथ। सो फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सो आप देख सकते 3 4 12 3 5 15, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आपका कैंसिल हो गया, 240 इंटू 5, या आप ऐसे भी कर सकते 4 1 4 4 6 24 4 6 24 और ये जीरो 60 इंटू 5 दैट इज 300। मीन्स वॉट, जो डिस्काउंट चार्जेस आएगा हमारा 300 आएगा, मतलब 24,000 का बिल हमने बैंक को दिया, बैंक ने क्या किया 300 डिस्काउंट काटा है तो हमको रिटर्न कितना करेगी 23,700। ये बैंक हो गया आपका, ये डिस्काउंट हो गया आपका, और ये बिल हो गया आपका। अमाउंट पुट अप कर देंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा हमारे पास 23,700 डिस्काउंट का अमाउंट कितना हमारा 300 एंड बिल का अमाउंट कितना हमारा 24,000। होप किसी को डाउट नहीं होगा, पूरा मैंने यहाँ पे निकाल के रखा, आपको भी आना चाहिए यहाँ पे। नाउ डिस्काउंट कराने के बाद हम किसका वेट करते हैं, डिस्काउंट कराने के बाद हम ड्यू डेट का वेट करते हैं। प्रॉब्लम में क्लियरली मेंशन किया है वहां पे कि ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट का हमारा बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। और आपको पता है वेन एवर बिल वॉज डिसऑनर्ड वहां पे 3 to 4 एंट्री होने के चांसेस होते हैं, कौन कौन सा, कैंसिलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल, ऐसा बताया मैंने आपको। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे बिल क्या हो गया हमारा, डिसऑनर्ड हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है, उसके आगे की एंट्री क्या होती है, हम लोग क्लियर यहां पे देखेंगे। मैं यहां पे भी आपको बता सकता था बट मैं क्लियरली वहां पे आपको दिखना चाहिए। सो देखेंगे निशा, आशा एंड बैंक, आप बताएं बिल किसके पास था इस समय, बैंक के पास था। ड्यू डेट को बैंक किसके पास गया रहेगा, आशा के पास। आशा ने बिल के अमाउंट नहीं पे किए तो आपको पता है कि बैंक वापस आएगा और किसके पास जाएगा, निशा, और निशा किसके पास जाएगी बिल लेकर, आशा के पास। इसके बीच में बैंक जब गया रहेगा निशा के पास तो निशा से उसने कैश ले लिया रहेगा, बट उसकी एंट्री हमको यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे। तो आप बताइए एंट्री किसके बुक में करनी है, निशा के बुक में, निशा के बुक में निशा का नाम नहीं आएगा। तो देखना है बिल का ओनर इस समय कौन था, बैंक था, और अभी किसके पास गया बिल, आशा के पास। तो मैंने बताया था बोथ आर द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हु इज द रिसीवर, आशा, एंड हु इज द गिवर, बैंक। तो कैंसिलेशन की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री, हमेशा मैंने आपको बताया कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे फोर्थ एंट्री हमारी हो जाएगी ड्रॉई, दैट मीन्स वॉट, आशा, आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड दैट अमाउंट इज 24,000 का बिल था आपका। तो 24,000 का बिल क्या हो गया आपका, डिसऑनर्ड हो गया। नरेशन बीइंग आशाज एक्सेप्टेंस, आशाज एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, या लिख सकते बीइंग बिल इज डिसऑनर्ड। मैंने बताया था कि नरेशन का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट जितना आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। कैंसिलेशन हो गया हमारा, डिसऑनर्ड हो गया। उसके बाद आपने देखा प्रॉब्लम में दिया है कि आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट रुपीज 4,000 अलोंग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमको कैश में दे रही है, कौन, आशा। तो
पार्ट पेमेंट के साथ हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। देखिए आपका जो इंटरेस्ट होता है वो ऑलवेज चार्ज ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। तो आप देखेंगे बिल का अमाउंट कितना था, 24,000 में कैश कितना पे कर रही है वो 4,000, तो बैलेंस कितना बचेगा आपका 20,000। तो 20,000 पे हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है एट द रेट 11% फॉर 3 मंथ। तो देखेंगे यहाँ पे 20,000 इंटू 11% इंटू 3 मंथ अपॉन 100 इंटू 12, 3 1 3, 3 4 12, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 200 इंटू 11 दैट इज 2,200 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 550। दैट मीन्स व्हाट, हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। तो जो हमारा पार्ट पेमेंट होगा वो 24,000 प्लस 550, ये हमको पार्ट पेमेंट मिलेगा दैट इज 4,550। सो ये हमको पार्ट पेमेंट मिल रहा है, बट उसके पहले हम कौन सी एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे, पहले पार्ट पेमेंट करें बाद में पार्ट पेमेंट करें, पहले इंटरेस्ट करें बाद में इंटरेस्ट करें, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट कितना हमारा 550। एंड इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट। इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट की हमारी जो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे फिफ्थ एंट्री, दैट इज अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, आशा का एंट्री हो जाएगा, आशा अकाउंट डेबिट, आशाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड दैट अमाउंट इज 550। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। नाउ देखेंगे एक कैंसिलेशन हो गया, दैट मीन्स वो डिसऑनर्ड हो गया, इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट में कितना मिल रहा है आपको 4000 प्लस आपका कितना 550 इंटरेस्ट का साथ में मिल रहा है। तो कैश आ रहा है हमारे पास, कौन दे रहा है, आशा। कैश आ रहा है रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन कैश। तो कैश डेबिट हो जाएगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट, टू आशाज अकाउंट लिख सकते हैं आप यहां पे, एंड दैट इज 4,550। नरेशन बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। नाउ डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हम न्यू बिल ड्रॉ करते हैं। तो हम न्यू बिल ड्रॉ करते हैं और आशा क्या कर रही है, उसको एक्सेप्ट, प्रॉब्लम है दिया कि आशा एक्सेप्टेड द न्यू बिल फॉर द बैलेंस। तो आपका बैलेंस अमाउंट कितना आपका 20,000, तो 20,000 का हमने बिल ड्रॉ किया रहेगा किसके ऊपर, आशा के ऊपर। आशा ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करके क्या कर दिया, रिटर्न। तो अगेन वही वाली एंट्री होगी हमारी, ये बिल आ रहा है, कौन दे रहा है, आशा, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की एंट्री होगी, दैट इज सेवेंथ एंट्री हमारी। सो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशाज अकाउंट, आशाज अकाउंट, एंड दैट अमाउंट इज 20,000। नरेशन बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड या बीइंग बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, being bill drawn and acceptance received for 3 month, for 3 month, यहां तक clear। whenever bill was dishonored there have been the chances of 3 or 4 entry, यहां पे 4 entry हुआ आपका, cancellation हो गया आपका, that is dishonored, interest, part payment, new bill। इसके बाद अभी बिल आ गया हमारे पास निशा के पास, निशा वापस क्या करेगी, ड्यू डेट का वेट करते हैं हम लोग। और ड्यू डेट को दो बातें हो सकती है, या तो बिल हॉनर्ड होता है या तो बिल क्या होता है आपका डिसऑनर्ड। एंड यहां पे बिल आपको पता है क्या हो गया, डिसऑनर्ड नहीं हुआ है, हॉनर्ड भी नहीं हुआ है, यहां पे ड्रॉई ही क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट दैट मींस व्हाट,
When the liability is more than assets, जब किसी भी person की liability क्या होती है, assets से ज्यादा होती है, वो insolvent हो गया, और insolvent कौन declare करता है, court declare करती है, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, insolvent हो गई, तो insolvent हो गई, that means what simple, सबसे पहले तो हमारा जो old bill है वो cancel हो जाएगा, ये हमारा old bill, देखिए ये retain bill है, ना ही इसको हमने अभी तक discount कराया है, ना ही हमने इसको अभी तक endorse किया है, नहीं हमने बैंक फॉर कलेक्शन को रिटेन भी ले, मतलब यहां पे दो ही पार्टी है, मैंने बताया इसको रिवर्स कर देंगे तो कैंसिलेशन की एंट्री हो जाएगी, तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन का एंट्री हो जाएगा, कैंसिलेशन के बाद हमारा बैड डेट्स वाला एंट्री होगा वो देखेंगे, तो सबसे पहले बिल को कैंसिल करते, आशा अकाउंट डेबिट या आशाज अकाउंट डेबिट, आशाज अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000. नरेशन, बींग बिल कैंसल और बींग बिल डिसऑनर्ड, बींग बिल इज कैंसल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी भी लिख सकते, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी. नाउ ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो कैंसिल हो गया हमारा ओल्ड बिल, बट मैंने बताया था ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ पैसा हमको मिल जाए, तो वहां पे दिया है ओनली 40% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट, उसके प्राइवेट स्टेट से आप 40% रिकवर्ड किया, तो देखेंगे यहां पे 20,000 बिल का अमाउंट है जिसमें से हमने 40% रिकवर्ड किया, दैट मीन्स व्हाट 60% हमारा क्या हो जाएगा, डूब हो जाएगा, ये हमारा कैश हमने क्या किया, रिकवर्ड किया, 60% डूब जाएगा, मतलब क्या हो गया हमारा बैड डेब्ट. तो देखेंगे 20,000 का 40% दैट मींस व्हाट, कितना हो जाएगा बोलिए आपका, 20,000 का 40% 8,000, 60% कितना हो जाएगा फिर आपका 12,000, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस व्हाट 20,000 में हमने 8,000 रिसीव्ड किया है एंड 12,000 हमको नहीं मिला, दैट मीन्स हमारा डूब गया, तो मैंने बताया था कैश आ रहा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये दोनों डेबिट हो जाएगा, कैश आ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, बैड डेट्स लॉस है इसलिए डेबिट हो जाएगा हमारा, और किसके किससे ले रहे हैं आप लोग, ड्रॉई, ड्रॉई कौन आपका, उषा, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो हमारी नाइन्थ एंट्री हो जाएगी यहां पे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. सो देखिए जरा कैश कितना आपका 8,000, बैड डेट्स कितना 12,000, कितना लेना था हमको उषा से, टू उषाज अकाउंट दैट इज 20,000. नरेशन, बीन ओनली 40% अमाउंट रिकवर्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, या इतना लिखा तो भी चलेगा, आगे लिख सकते हैं एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड. ये पूरा प्रॉब्लम हमारा इन द बुक्स ऑफ निशा कंप्लीट हुआ. ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, अगर कभी भी ड्रॉई इंसॉल्वेंट होती है तो क्या होगा हमारा, दो एंट्री होगा, फर्स्ट हमारा ओल्ड बिल कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड आपका बैड डेट्स का एंट्री होगा आपका. नाउ अगर सेम एंट्री आपको ड्रॉई की बुक में करना रहे, वो आपका समझो होमवर्क है, तो पहला एंट्री यहां पे कौन सा होगा, परचेस का, एंड परचेस की एंट्री आपको आनी चाहिए, अमाउंट आपने पे किया था, बिल एक्सेप्ट किया, तो यहां पे एंट्री हो जाएगा आपका ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. डिस्काउंट करा दिया, डिस्काउंट की एंट्री ड्रॉई की बुक में नहीं होती है. ड्यू डेट को बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री ड्रॉई के बुक में हमेशा एक ही होती है. फिर इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट की एंट्री होगी आपकी, यहाँ पे न्यू बिल की एंट्री होगी, और यहाँ पे जब ड्रॉई क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो यहाँ पे भी दो एंट्री होगी, कैंसिलेशन की और डेफिशियंसी वाली, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, होप आप कर लेंगे उसको, और यहाँ पे भी जो भी डाउट है आप क्या करेंगे हमसे क्लियर करेंगे. ओके, सो देखेंगे हम लोग क्या करना है, ये पूरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे आप, आपके बोर्ड के प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम है, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा प्रॉब्लम करेंगे, इससे भी अच्छा प्रॉब्लम करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, फिर यहाँ पे थैंक यू, बाय बाय.